इस वक्त की बड़ी खबर का रुख करेंगे अलवर से। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है और बहुत ही दुखद खबर ये सामने आ रही है। आप सभी को बता दें, रामगढ़ विधायक जुबीर खान का आकस्मिक निधन हो गया है। 1.5 साल पहले हुआ था लीवर ट्रांसप्लांट और कई समय से बीमार जुबीर खान चल रहे थे और उसी के दौरान आज उन्होंने अंतिम सांस ली। मेदांता अस्पताल में उनका इलाज चल रहा था और 15 दिन पहले ही डॉक्टर्स ने जवाब दे दिया था। स्वयं के फार्म हाउस पर उन्होंने अंतिम सांस ली। विधायक के निधन के बाद राजनीतिक जगत में शोक की लहर दौड़ गई है और साथ ही साथ तमाम जो कांग्रेस पार्टी के नेता हैं वो एक्सपोस्ट करके शोक व्यक्त कर रहे हैं। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी शोक व्यक्त किया है और लंबी बीमारी के बाद विधायक जुबीर खान का निधन हो गया है। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ प्रदीप गोयल जुड़ चुके हैं। प्रदीप, क्या कुछ जानकारी? आपको मैं बताना चाहूंगा कि रामगढ़ के एक जाना पहचाना चेहरा राजगढ़ से है, जो कि राज्य सचिव कांग्रेस के पूर्व खान है। उनकी 67 साल की उम्र थी। वह शनिवार को सुबह उन्होंने 6 बजे के करीब उनका निधन हो गया था। मैं आपको बताना चाहूंगा कि उनकी लीवर ट्रांसप्लांट के बाद से ही काफी बीमार थे। उनको 1.5 महीने पहले से डॉक्टर ने जवाब दे दिया था, जिसका शनिवार को सुबह 8:30 बजे अस्पताल हो गया। ये मैं आपको बताना चाहूंगा, इनके जीवन काल एक संघर्षपूर्ण काल था, जिनके अंतर्गत इन्होंने राजीव गांधी से उनकी दोस्ती हुई थी। जब ये दिल्ली में NSUIS के कंप्लेंट लगाते समय राजीव गांधी से उनकी दोस्ती हुई और ये यूनिवर्सिटी दिल्ली जामिया की छात्र संघ के अध्यक्ष भी रह चुके हैं जी। और ये अलग अलग राज्य सचिव बने हैं कांग्रेस के, कांग्रेस के जिला अध्यक्ष भी रहे हैं। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये राजस्थान प्रदेश कमेटी के महासचिव भी रह चुके हैं, जिसकी विधानसभा में चुनाव के प्रवक्ता भी बने रहे हैं। और NSUIS और युवा कांग्रेस के अलग अलग पदों ये रह चुके हैं जी। और एक बात और, ये 2021 में मेवात विकास बोर्ड के चेयरमैन भी बने रहे हैं। बिल्कुल प्रदीप, देखिए, और सबसे ज़्यादा कांग्रेस पार्टी को क्षति और शोक की लहर वहाँ दौड़ी हुई है, क्योंकि देखिए अब इसके साथ ही अगर हम बात करें उनके आकस्मिक निधन की, तो उसके बाद अब 6 सीटों पर उपचुनाव होना था। अब 7वीं सीट है रामगढ़ की, वो भी अब खाली हो गई है। अब विधानसभा के चुनाव में 7वीं सीट जो खाली हुई है, वो उसके बारे में आपको बताना चाहूंगा कि अब उनके कांग्रेस के ऊपर एक सोचने का और समझने का विचार है कि अब ऐसे जो उनके भरोसेमंद व्यक्ति थे, वे उनकी जगह किसको आगे किया है। हालांकि उनकी धर्मपत्नी भी राजनीतिक कार्यालयों में मशहूर है, जिनका नाम साजिद खान है, वो भी कांग्रेस से जुड़ी हुई है, तो हो सकता है उनकी जगह। और प्रदीप, फिलहाल क्या कुछ जानकारी कि अलवर कौन कौन पहुंच रहा है कांग्रेस पार्टी से, कौन कौन नेता? क्योंकि देखिए एक बहुत बड़ा नुकसान कांग्रेस पार्टी को राजस्थान को हुआ है। अभी तक तो ऐसी कोई सूचना नहीं आ पाई हमारे पास, क्योंकि निधन सुबह 6:30 बजे के करीब हुआ है। अभी समय निकल रहा है, आगे वाले कुछ समय में पता पड़ पाएगा कि कितने बड़े नेता कांग्रेस के अलवर में आएंगे और उनके इस युग गली में शामिल होंगे। ठीक है प्रदीप, लगातार आप इस खबर पर अपडेट बनाए रखें, बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए। लेकिन बड़ी दुखद खबर और कांग्रेस पार्टी के लिए भी नुकसान की बात। राजनीति जगत में शोक की लहर दौड़ गई है, क्योंकि आपको बता दें कि विधायक का निधन हो गया है। जुबेर खान, लंबा राजनीतिक सफर और उम्र 61 साल, काफ़ी लंबे समय से बीमार चल रहे थे अपने फार्म हाउस पे। मेदांता अस्पताल में उनका इलाज चल रहा था, लेकिन उसके बाद वो फार्म हाउस पे थे, वहीं पर वो आराम कर रहे थे, लेकिन उसके बाद आज सुबह उन्होंने अंतिम सांस ली।